इतना विकास हुआ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्यों अब क्या बताएं, जब बाहर जाएगी तब ना, बाहर जाते ही नहीं। मोदी जी से खुश हैं, ये तो होने वाले आने वाले टाइम पे बताएंगे भाई। बिल्कुल घटने चाहिए, क्यों ना घटने चाहिए, लेकिन अगले साल से अच्छा धंधा नहीं चल, एक हफ्ते के लिए आए। अच्छा बनारस आए? हाँ बनारस आए हैं, लेकिन अगले साल से अच्छा धंधा नहीं चल रहा है। पिछले साल तो कोरोना था, कोरोना था उसमें भी बहुत अच्छा हम लोग बेचे थे दीपावली को, लेकिन अब की बारी उतना बढ़िया नहीं बेच पा रहे हैं। तो बनारस से आप लोग यहाँ आते हैं क्यों? धंधा करने आते हैं। बनारस में नहीं चलता सही? नहीं इतना बढ़िया नहीं चलता, इतना बढ़िया चलता है वहाँ भी। जैसे यहाँ 5 का माला बिकता है वहाँ पर, तो यहाँ 10 का बिकता है, बस यही फर्क है। कारण क्या है? कारण क्या है कि थोड़ा सा बनारस कुछ दूसरे टाइप का है। बनारस में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत बहुत होंगे, उसी जगह बनता ही है तो वहाँ बनता है, इसकी वजह से वहाँ सस्ता हो जाता है। हाँ, और यहाँ थोड़ा सा कीमत सही लग जाती है, सही लग जाती है, लेकिन अगले प्रयास से कुछ मंदा धंधा है। हाँ, इसका अच्छा। और चीज का हम नहीं बता सकते। और दूसरी चीज ये इधर आ जाइए थोड़ा सा, दूसरी चीज ये जानना चाहेंगे कि बनारस से आप लोग यहाँ आते हैं कितने महीने के लिए आते हैं? लगभग एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए? हाँ। तो एक हफ्ते में कितने का बिजनेस हो जाता है? यही 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार। 15 हज़ार तक का? और दीपावली के अलावा भी किसी टाइम पर आप लोग आते हैं? नहीं, नहीं, नवरात्रि वगैरह नहीं, नहीं, खाली दीपावली पर। तो अकेले ही आते हैं या फिर और बहुत सारे और रहे ना, 10-20 लोग? अच्छा 10-20 लोग आते हैं, और दीपावली के टाइम पे, बाकी टाइम पे वहाँ पे दुकानें करते हैं आप? नहीं हम लोग साड़ी बेचते हैं। साड़ी बेचते हैं, बनाते हैं क्या? हाँ बनाते हैं। अच्छा आप लोग बनारसी साड़ी बनाते हैं? बनारसी साड़ी तो काफी मशहूर है। और ऐसा है ना कि थोड़ा सा धंधा मंदा बनारसी से, बनारसी का भी चल रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ही कर लेते हैं, इसलिए कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन अगले परिया से मंदा धंधा है। आपके यहाँ तो मोदी जी सांसद महोदय हैं? हाँ एकदम, हमारे इलाके ही के सांसद हैं। उसके बावजूद भी धंधा मंदा पड़ रहा है आपका साड़ी का, क्यों? बिल्कुल क्यों, अब क्या बताएं, जब बाहर जाएगी तब ना, बाहर जाते ही नहीं है। इस वक्त कुछ अच्छा चल रहा है, अभी दो चार महीना अच्छा चल रहा है, दीपावली बाद देखो क्या होता, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक चीज और जानना चाहेंगे कि मतलब बनारस में जैसे बनारसी साड़ी की ब्रांडिंग की बात कही गई थी, तो वो ब्रांडिंग काफी किस तरीके से हो रही है या फिर सिर्फ कागजों बस में हो रही है? नहीं नहीं बढ़िया तरीके से होती है। तो उसके बावजूद आप लोग बनाते हैं और आप लोग का धंधा मंदा चलता है, क्या करेंगे? देखिए जैसा बनारस के जो सेठिया है, वो यहाँ के सेठिया अच्छे हैं, अरे खराब है। यहाँ के सेठिया हफ्ता में पैसा पूरा दे देंगे, वहाँ वाले ने 500 ले लो, 1000 ले लो, उसमें टरकाते रहेंगे, लेकिन और जगह बहुत अच्छा धंधा है। अच्छा। उस मामले तो बहुत लोग तो बाहर भाग गए, बेंगलोर है, सूरत है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, योगी जी को जिताएंगे कि किसी और को ले आएंगे? ये तो होने वाले आने वाले टाइम पे बताएंगे भैया। अच्छा अभी नहीं बताएंगे। मोदी जी से खुश हैं? हाँ सबसे खुश हैं, हम क्यों नहीं रहे, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुश रहेंगे। कितना विकास हुआ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद? नहीं विकास तो बहुत अच्छा हुआ, भले महंगाई बढ़ी लेकिन विकास बहुत अच्छा हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम की जगह तेल निकाल रहे हैं आम आदमी के, बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन दाम हर चीज के बढ़े, घटने चाहिए? बिल्कुल घटने चाहिए, क्यों नहीं घटने चाहिए, गरीब मारे जा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? नाम क्या है आपका? मोहम्मद इकराम। चलिए बहुत बहुत बधाई हो दीपावली की, आपका धंधा अच्छा चले, लक्ष्मी जी की कृपा, यही कामना है। धन्यवाद।